गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी बिगेस. तो आज हमारा चैलेंज है पेस्ट्री चैलेंज. सो हम लोग ये जो पेस्ट्री है इसको खत्म करने वाले हैं. और यहाँ तो हमारे पास यहाँ पर 6 पेस्ट्री है और जो भी इस पेस्ट्री को सबसे पहले खत्म करेगा तो वो आज का विनर होगा. और साथ में हमारे पास ये ड्यू भी है तो इसे भी खत्म करना है. जो इन दोनों चीजों को सबसे पहले खत्म करेगा वही आज का विनर होगा. और इसको जानते हैं आप लोग, सविता गुरुंग है ये. ये हमेशा हारती है. ओके तो हम लोग अपने चैलेंज को शुरू करेंगे. लदे भाई हाथ ले. आलू ओके शुरू करते हैं हम लोग अपने चैलेंज को. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स ईट. हाथ ले खाए भी हुन्छ नि त बेस्ता हुन्छ जरुर दुनो चम्मच ले खाने मत चम्मच असर लाग्छ खुद चम्मच मुल्दै म दुटा चम्मच हुन्छ अब वाक्ला भने म त हतोर दे पादा मार्क सम जंगलमा बडा पुग्यो यसको लागि यस चीजको लागि पता के मान्छे त्यो जंगलमा मखाने मखाने त्यो मोटो मटोला यहाँ पे साइड में हमारी दीदी बैठी है वो चावल खा रही है विद अंडा. वैसे बटर स्कॉच भी राम्रो हुन्छ. शादी के स्टोरी आल्सो चुड ऑफ टैग टू देम दे मेरे को अंदर लगा भीतर सा डर पसंद है मुझे ये पसंद से मत लो. हेलो हेलो मुझे गोरो लग सा तेरे मत अंधेरे भी अंधेरे तेरे बाल तेरे मत कुछ काल हो गया इस तो बाल बाने अलग तो दिन रबले बस देख के खाई देना मुझे जुड़ना वाला पहले खायो अस्ते को उसको बर्थडे में खाएंगे ना अमित को बर्थडे में अमित को बर्थडे अच्छा चार अपने के जुए हो चार मलदान को बर्थडे भी शुरू है कौन फतेरा Yeah.
उल्टी हो जाएगा मेरे को तो खाना खा रही मैं गिलास गिलास आउँदै म जान्छु मलाई भात भी खाने यार मैं हार गया हूँ मैं हार मानता हूँ इसे चिकन डिनर तो इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आप देख सकते हैं ये चैलेंज मैं जीत चुकी हूँ फिर से पिछले चैलेंज की तरह बात भी हाल इसे बात डाल दे प्लेट डाल प्लेट आप ही हाल रखा ना उठे उठना सच में नहीं उठना काट दे उठे गो जा हाल बड़ा बढ़िया है हाल दे नहीं मतलब हाँ तो अब इसके बाद बात भी खाओ बात भी खाओ समझ जाते हैं खा वही ना पेस्ट्री चैलेंज विद एक्स्ट्रा दाल भात वही ना मजा आउँछ है राम्रो हुन्छ तो दाल भात वाला चैलेंज करने होता असली मजा खाने हो नेक्स्ट टाइम तो ठीक करने हम फिर अंडा दे गया अभी नहीं हमें नहीं हमें विशाल जाने फिर हमें यहाँ खाने को लाइक के लिए नहीं यहाँ नो सर्दी स्प्रिंग रोल कितना लगता खर्चा चौमिन बनाना है चौमिन तो ऐसे मंगवा लेंगे हम यहीं से जुल्ले से ले लूँगा आधा हाफ प्लेट है कल फूल लाता नहीं ऐसा करते ना कौन स्टार्च चाहिए मैदा चाहिए रामिन के साथ वो भी कौन फ्लावर है मेरे पास और मैदा चाहिए 100 रुपए खर्चा का 100 रुपए का खर्चा मतलब पैसे बहुत वो भी चाहिए खाना खाने वाले सारा आलू गोभी मुझे पानी दो पानी दो पानी दो दे दो 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 दो
भाइ सुना जी टोकेस न होइन के रे 200 रुपैयाँ मेरो ब्यालेन्स दियो दो दिन फिर होला किन दुवारी एकै लकडाउन हो आउनु नै बैठ गया उसको जाना चाहिँ आलु चाख्नु थियो आलुमै पिरो छ त नि।